हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। और सुबह के अभी बज रहे हैं 8:30 और मैं जगी हूँ 8 बजे, जो कि मैं झाड़ू लगाई हूँ। और अभी 2-4 कपड़े थे परी के और मेरे एक जोड़ी थे कल के, तो वो मैं धुल के अभी छत पर डाली हूँ। और अभी मैं बनाऊँगी चाय और हस्बैंड जी सो रहे हैं, अभी आए हैं ड्यूटी से, तो और परी भी सो रही है, तो मैं यहाँ पे तकिए लगा दी हूँ, नहीं तो फिर ये मुझे ढूंढेगी तो जल्दी से जग जाएगी। और कम से कम ये 9-10 बजे तक सोएगी, तो इतने में कुछ काम कर लूँगी। पहले तो बनाऊँगी चाय और उसके बाद बस पोछा लगाना है। बर्तन वर्तन तो शाम को ही धुल ली थी मैं, तो मुझे लगा आज मॉर्निंग से ही अपना ब्लॉगिंग का शुरुआत करना चाहिए। तो चलिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो थोड़ा सा रुक के मैं चाय बना रही हूँ, 9 बज रहे हैं तो 9 बजे मैं चाय बना रही हूँ। और अभी चाय बनाने के बाद मैं हस्बैंड जी को जगाऊंगी और वो साथ में ही चाय पी लेंगे। और परी का कुछ पता नहीं रहता है, परी जब जगेगी अपने आप ही जग जाएगी, क्योंकि रात में वो काफ़ी लेट को सोती है। कम से कम वो 12 बजे, 11:30-12 बजे से पहले नहीं सोती है, तो इसीलिए। और ये यही टाइम होता है जो कि मैं अपने मम्मी से बात करती हूँ सुबह और फिर शाम को करती हूँ, क्योंकि वो भी है गांव में हैं सब, तो इधर उधर बैठ जाती हैं जाके, और कुछ काम भी रहते हैं। तो सुबह और शाम को बात कर लो ना, तो आदमी फ्री रहते हैं, अपना खाना वाना वो भी बनाती रहती है। इस टाइम तो मेरी मम्मी खाना वाना बना के पूजा करती है, मतलब खाना बनाने के बाद नहा वहा के तुरंत पूजा वूजा करती है, तो यही टाइम रहता है मुझे बात करने का। तो यही टाइम जो है सुबह सुबह मैं बात कर लेती हूँ और चाय वाय भी मेरा बन जाता है, मेरा भी नाश्ता हो जाता है। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ चाय पीने के लिए। और चाय बन गया है मेरा और परी नहीं जगी है, अभी हस्बैंड जी को जगा दूंगी, वो अपना चाय पी के और फिर वो भी सो जाते हैं। और ये देखिए परी अभी जग गई है और हस्बैंड जी चाय पी के अपना दोबारा सो गए हैं। तो मैं जा रही हूँ ये ब्लाउज़ बनाने, जो कि मैं साड़ी लेके आई हूँ नेट पे, तो उसी पे काला कलर का लेके आई थी मैं नेट। ये भी नेट ही है, लेकिन इसमें अस्तर लगाने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए मैं अस्तर नहीं लाई हूँ। ये कपड़ा मेरे पास रखा हुआ था, तो ये भी न्यू ही है कपड़ा, ये ख़राब कपड़ा नहीं था, तो फिर मैं इसी का अस्तर बना दूँगी, जो कि मुझे लगाने हैं फोम, नहीं तो अस्तर की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं ज़्यादातर फोम वाले ही ब्लाउज़ बनाती हूँ, जो कि अच्छे रहते हैं, मुझे बहुत ही, मेरे लिए मतलब मुझे बहुत पसंद है। बाकी आप लोगों को भी पसंद हो ना, तो फोम वाला ब्लाउज़ बनवाइए, बहुत ही अच्छा रहता है। तो पहले मैं निशान लगा के ना और सुई धागे से ही टक्कर देती हूँ, उसके बाद ही मैं सिलती हूँ। और इसे सिलने के बाद फिर अभी घर का काम करूँगी, इतने हस्बैंड जी भी जगेंगे, खाना वाना बनाऊँगी फिर। तो अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और सुबह से मैं थोड़ा सा काम कर रही थी, ब्लाउज सिल रही थी। तो अभी जा रही हूँ मैं रोटी बनाने और दाल बन गया है और अभी बनाऊँगी चटनी भी। तो देखिए परी को पैर पे पैर रख के बैठी हुई है और अभी थोड़ा सा काम और बाकी है मेरा। तो चलिए पहले मैं अभी बनाती हूँ खाना। और अभी मैं सुबह से अभी उठाई हूँ मैं मोबाइल, जो कि सुबह थोड़ा बहुत सूट की थी, उसके बाद अभी फ़ोन उठाई हूँ मैं। तो पहले बनाती हूँ मैं खाना। तो ये बर्तन थे ना, इन सभी बर्तनों का पानी निकल गया है, तो इन बर्तनों को पहले मैं लगा दे रही हूँ जाल में, उसके बाद जो है अभी खाना बनाने की तैयारी करूँगी मैं। और दाल बन गया है, मसूर जो छिलके वाले दाल होते हैं ना, वो वाले दाल बने हैं, काले वाले मलका मसूर के, तो वही बने हैं। लेकिन आलू भी फिर से उबाली हूँ मैं, जो कि हस्बैंड जी बोल रहे हैं चटनी भी बना लो, तो फिर रोटी बनाऊँगी आज, तो मैं अपने लिए भी चावल नहीं बनाऊँगी, मेरा इच्छा नहीं है। तो आटा भी मींड के मैं रख दी थी, आटा जो है ना सान के पहले से रख दीजिए तो फिर अच्छा रोटी बनता है। तो फिर मैं नहाने जा रही थी, उससे पहले ही मैं आटा सान के रख दी थी। तो मैं यहाँ पे ना सभी के घर, मेरे ही घर नहीं, सभी के घर आटे में जो है ना नमक डाल के रोटी बनाते हैं, तो बहुत ही अच्छा होता है, तो मैं भी डालती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ ना, आटा सान के पहले ही रख देती हूँ और उसके बाद जब बनाना रहता है ना, तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के फिर अच्छे से फिर से मींड देती हूँ, तो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी बनते हैं और फूले फूले।
और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी तरह से यहाँ पे सभी बनाते हैं, मतलब नमक डाल के मैं भी बनाती हूँ। मैं पहले नहीं बनाती थी, मायके में हमारे तरफ नहीं बनता है, हम नहीं डाल के आटा में नमक बनाते हैं, यहीं पर सभी बनाते थे ना, तो मुझे भी आदत पड़ गया। और हस्बैंड जी भी बोलते हैं कि नमक डाल लिया करो थोड़ा सा, तो मैं डाल लेती हूँ, फिर अच्छा लगता है। तो पहले मैं लोइयाँ काट के रख लूँगी और उसके बाद जल्दी से रोटी बना लूँगी। अभी अभी ना काफ़ी ज़्यादा भूख लग गया है, 2:30 बज रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे भी भूख लग गया है। और हस्बैंड जी बार बार आके मतलब किचन में वो भी देख के जा रहे हैं, उन्हें भी भूख लग चुका है। तो वही मैं अभी रोटियां बना ले रही हूँ और परी को अभी नहलाऊंगी मैं, उससे पहले जो कि खाना वाना खा लें। अभी ना वो खेलने में लगी रहती है, तो मैं भी उसे जो ना मतलब ज़्यादा परेशान नहीं करती हूँ, फिर नहलाने वहलाने में नहीं लगी रहती हूँ, क्योंकि खाना वाना बनाने का भी काम रहता है। और काफ़ी मतलब ज़्यादा दिन नहीं है, 2-3 दिन बचे भी हैं ना घर जाने के लिए, तो जो भी काम वाम मैं आप लोगों से बोल रही थी ना कि ढूंढ ढूंढ के काम करना रहता है, तो वही काम मैं अपना ढूंढ ढूंढ के काम जो भी कर रही हूँ। तो 2 दिन से ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी मैं, तो इसीलिए। और अभी आज मैं सोची हूँ कि नहीं, ब्लॉग का शुरुआत करना चाहिए, एकदम ज़रूरी है, और इतना गैप करना भी अच्छा नहीं होता है। कल ब्लॉग नहीं गया था मेरा कोई भी। और ये देखिए आप लोग, मैं आज ना हरा धनिया डाली हूँ, तो आप लोगों को चटनी थोड़ा सा हरा हरा दिख रहा होगा, लेकिन ये वाला चटनी ना मुझे भी बहुत पसंद है, और हस्बैंड जी भी मतलब उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद हो गया है। वो बोलते हैं कहाँ सीखी थी तुम, तो मैं बोली मेरे तरफ तो सभी के घर बनते हैं, मेरे ही घर नहीं सभी के घर बनते हैं। तो यहाँ पे अभी मंगा ली हूँ मैं दही, और हस्बैंड जी अपने लिए लेके आए हैं चाय। तो दही थोड़ा सा था तो यहाँ पे नहीं मिला दही, तो फिर वो मट्ठा लेके आ गए हैं, मट्ठा छाछ कुछ भी बोलते हैं उसे, दोनों चीज़ बोलते हैं, तो वही लेके आ गए हैं। तो अभी खाना मैं लगा रही हूँ इनके लिए, और मैं लूँगी दही, जो कि मैं चीनी डाल के खाती हूँ, इसीलिए इतनी मोटी हो रही हूँ मैं मोटी बहुत ज़्यादा हो रही हूँ, थोड़ा सा पतला कैसे हूँ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। जो कि मैं गर्म पानी सुबह के टाइम पीती हूँ, तब भी नहीं हो रही हूँ पतली, क्या करूँ। और बस ये हमारा खाना लग गया है, तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। और आ गई हूँ मैं कमरे में, और परी अपने पापा जी के साथ बैठ के खा रही है, मेरे साथ नहीं खा रही है, क्योंकि वो मट्ठा लिए हुए है ना, तो इसीलिए वो दूध समझ मांगती है, कहती है दूध दे दो दूध, तो वो अपने पापा जी के साथ खा रही है, और मैं ली हूँ दही, तो मेरे साथ नहीं आ रही है खाने। और ये देखिए हमारे जिठाने के दोनों बच्चे भी आ गए हैं, टीवी चल रहा है ना, तो ये कार्टून देखने के लिए आ जाते हैं सब। तो चलिए अभी मैं खा लेती हूँ खाना। अभी कपड़े डाल के मैं आई हूँ, और हवा चल रही थी ना, तो ऊपर मैं आप लोगों से बात कर रही थी, लेकिन बहुत सारे छत पे थे ना, दूसरे पे छत पे, तो ऐसे देखते हैं सब अच्छा नहीं लगता है, तो फिर मैं नीचे चली आई हूँ, और हवा चल रही है ना, इसकी वजह से कपड़े ना इधर उधर हो रहे हैं। और मैं मार्केट गई थी कल, नहीं परसों गई थी, तो छोटे छोटे 2-3 सामान लेके आई थी, मतलब कान वान का भी लेके आई थी, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। हम जो हाउस वाइफ होती है ना, उन सभी को भी छोटे छोटे चीज़ों का बहुत शौक होता है, तो वैसे मुझे भी है ना, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है कुछ भी मैं लेके आती हूँ। तो वही मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले तो ये देखिए आप लोग, एक बॉक्स मैं ली थी, ये 15 रुपये का था बॉक्स, और बहुत ही अच्छा है, जो कि सामान रख लीजिए। एक है मेरे पास जो कि मैं आप लोगों को दिखाई थी, वो 10 रुपये का ही है, तो उसमें भी ऐसे मैं डेली का मेकअप वेकअप का सामान रख लेती हूँ, और इसलिए ये भी लेके आई हूँ मैं। और इसमें से ना सामान इधर उधर नहीं होते हैं, एक जगह मिल जाते हैं, तो अच्छा लगता है। एक तो ये लेके आई थी क्लेचर, और एक लक्ष्मी का सीसी क्रीम, और एक सिंदूर का डिबिया, एक सूखा सिंदूर है जो कि यहाँ पे जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन मिल गया था मार्केट में मुझे, और सूखा सिंदूर मैं लगाती हूँ, अच्छा लगता है। और एक लाइनर, आईलाइनर जो कि मेरा दूसरा है तो अभी उसमें, लेकिन मुझे लग रहा था ना कि कहीं ख़राब ना हो गया हो, ज़्यादा दिन का हो गया था, तो इसलिए मैं इसे ले आई। और एक नेल पेंट, और इस बार लिपस्टिक लाई हूँ मैं मैरून कलर का, रेड कलर का है मेरे पास, तो इस बार मैरून कलर का। और एक सिंदूर, और एक लेके आई हूँ मैं ये लिप लाइनर, ये वाला इस बार लेके आई हूँ, तो
बस यही सब चीजें है ना, छोटे छोटे अच्छे लगते हैं सभी को। तो और एक कान का ये लाई हूँ, इस बार मैं तीन लेके आई थी। मेरे पास है, कई सारे हैं कान में पहनने के लिए, लेकिन मैं फिर भी ले ली थी, अच्छा लगा था ना तो फिर मैं ले ली थी। एक तो ये है और एक ये है, साड़ी पे पहनने के लिए ना अच्छे लगते हैं, इस तरह से है। और लेकिन बस इसी तरह से हैं छोटे छोटे चीजें। और ये देखिए डिब्बे में ना आराम से रख देती हूँ तो इनमें आ जाते हैं। और हाँ एक चीज और, मैं ये से पहले ही लेके आई थी तो आप लोगों को मैं दिखाई नहीं थी, ये मैं जब साड़ी लेके आई थी अपना नेट वाला तो ही ये लेके आई थी। ये है ना 100 रुपए का है, बहुत बड़ा है, हमेशा के लिए नहीं है, कभी कुछ मतलब साड़ी पहन लीजिए ऐसे कोई फंक्शन हो या कुछ वैसे हो तो अच्छा लगेगा ये, और काफी भारी भी है। और बस 100 रुपए का ही है, अच्छा लगा मुझे तो फिर ले ली मैं। और इसी तरह से और भी दो तीन चीजें लेकर आई थी, जैसे पिलो कवर, और मैं कहीं जाती हूँ और सामान लेती हूँ और परी के लिए कुछ ना लेके आऊँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए उसे मैं लेके आई थी एक जोड़ी कपड़े उसका लेके आई थी डेली में पहनने के लिए। और ये लेके आई थी पर्स, हैंड पर्स, बस यही सारी चीजें हैं जो कि छोटी छोटी चीजें ना अच्छे लगते हैं। और ये वाले कड़े लेके आई थी मैं, ये वाले, यहाँ ना थोड़े अच्छे सामान मिल जाते हैं, थोड़े सस्ते, ऑनलाइन सामान मैं जल्दी नहीं मंगाती हूँ जो कि ना सस्ते पड़ जाते हैं हमें वैसे ही मार्केट में। तो ये देखिए ये कड़ा सिर्फ अगर इसे ऑनलाइन मंगाइए ना काफी ज्यादा महंगा मिलेगा, और चलता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता है, और ये बस 100 रुपए में ये मिल गया तो अच्छा लगता है। तो ये सब जो छोटे छोटे चीजें होते हैं ना वो अच्छा लगता है। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करूंगी, तो फिर मिलूंगी आप लोगों से एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। और इस ब्लॉग को मैं आज एडिट करूंगी और इसीलिए यहीं पे समाप्त कर रही हूँ, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी हो जाता है तो फिर मतलब पूरा देखते भी नहीं है आप लोग, तो इसलिए और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से। और आज ही हो सकता है ब्लॉग का मैं शुरुआत करूँ दूसरे, तो जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, और आप लोगों को पसंद आता है तो शेयर भी कर दिया करिए, और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर आप लोग दबाया करिए ताकि मैं जितने भी ब्लॉग मतलब डालती हूँ आप लोगों को मिलता रहे डेली बाई डेली। आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।